देखिए लाल किले की तस्वीर, जहां से तिरंगे को हटाकर खालसा का झंडा लगा दिया गया। दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ कि लाल किले में कहीं पर भी उन लोगों ने कहीं पर भी तिरंगे को हटाकर निशान साहिब का झंडा नहीं लगाया। हर साल 26 जनवरी के दिन देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, पर इस बार का गणतंत्र दिवस कुछ खास था। इस बार किसान भी गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी में थे। किसानों ने इस बार इस दिन ट्रैक्टर रैली निकालने का फैसला लिया और वे गणतंत्र दिवस वाले दिन शांति से ट्रैक्टर रैली निकाल भी रहे थे। पर कुछ देर बाद कुछ किसान दिल्ली की ओर बढ़े और लाल किले तक पहुंच गए। इसके बाद लाल किले के खाली पोल पर किसान झंडे के अलावा उन्होंने निशान साहब भी लहरा दिया। गोदी मीडिया और कुछ दूसरे लोगों द्वारा इसे खालिस्तानियों की कार्रवाई बताकर दुष्प्रचार किया गया। ओप इंडिया नामक वेबसाइट ने इसे खालिस्तानी फ्लैग बताया। इसके अलावा ट्विटर पर भी कई लोगों द्वारा इसे खालिस्तानी झंडा बताया गया। और कहा गया कि राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान हुआ है, जबकि तिरंगा उसी शान से लहरा रहा था और ये झंडे खाली पोल पर झुलाए गए थे। वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने इस मुद्दे पर जानकारी दी और सरकार से सवाल भी किए। बहुत सुविधावादी है आप लोगों की देशभक्ति। जी हाँ, और जो लोग निशान साहिब को खालिस्तानी बता रहे हैं, कृपया अब आप ये तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ दिख रहे हैं दो प्यारे प्यारे सिख बच्चों के साथ, और प्रधानमंत्री जो साफा सिर पे उन्होंने बांधा हुआ है उस पर निशान देखिए, ये भी निशान साहिब का चिन्ह है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कहा जा सकता है कि खालिस्तान का चिन्ह पहने हुए थे? क्या ये सवाल आपको खुद से नहीं पूछना चाहिए? और आज ये कौन लोग हैं जो तिरंगे के अपमान की बात कर रहे हैं? 2017 की ये तस्वीर देखिए दोस्तों, यहाँ पर गाज़ियाबाद में योगी आदित्यनाथ की रैली होती है और आप इस तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि तिरंगे के ऊपर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का ध्वज है, वो फहराया जा रहा है। ये लोग बात करते हैं तिरंगे के अपमान की? जिसे मीडिया खालिस्तानी फ्लैग बता रहा है वह दरअसल निशान साहिब है। गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान इस बार पंजाब की झांकी में निशान साहिब भी शामिल हुआ था। पंजाब की झांकी में इस वर्ष भी निशान साहिब प्रदर्शित किया गया था और पिछले साल के गणतंत्र दिवस की परेड में भी। भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट निशान साहिब को हर उस सेना की चौकी पर फहराती है जहां वह पहरा देते हैं। तो अब तो ये साफ है कि ये खालिस्तानी झंडा नहीं है, क्योंकि अगर होता तो इसे गणतंत्र दिवस की परेड और सेना में शामिल नहीं होने दिया जाता। इसके साथ ही एक और मुद्दा भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था कि तिरंगे की जगह ये झंडे फैलाए गए, जबकि ये सच नहीं है। मीडिया ने ऐसा ही कूट प्रचार किया था। देखिए लाल किले की तस्वीर, जहां से तिरंगे को हटाकर खालसा का झंडा लगा दिया गया। ये देखिए, ये तिरंगे का कैसे अपमान किया गया, झंडा नीचे फेंक दिया गया। लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही दुखद, और वो भी गणतंत्र दिवस के दिन हमें आपको ये तस्वीर दिखानी पड़ रही है। देश की आन बान और शान उसे उतारकर नीचे फेंक दिया गया और अपना झंडा वहां पर फहरा दिया गया है। Symbol of India's freedom there, viewers, they are climbing up that pole, which is where India's national flag is unfurled. And today, the flag of a farmers union or some other sect is being flown from the pole, the very flag pole, the flag staff, from where India's national tricolor is unfurled on Independence Day. What we are seeing is a shocking takeover of the democratic process in this country. Pradhan Mantri Modi ne हाल ही में अपने प्रोग्राम मन की बात में लाल किले की घटना का जिक्र किया और राष्ट्रीय झंडे का अपमान होता हुआ भी बताया। दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। इसको लेकर भी अमिसार शर्मा ने बात की और इस मुद्दे पर अधिक जानकारी के साथ सवाल भी उठाए। और आपने बहुत ही सुविधावादी तरीके से मोदी जी इस बात का जिक्र किया कि लाल किले में किस तरह से तिरंगे का अपमान हुआ। यह अपने आप में ठीक नहीं है प्रधानमंत्री।
अगर आपको लग रहा था कि लाल किले में तिरंगे का अपमान हुआ, तो आपको देश की जनता को बताना चाहिए था मन की बात के जरिए कि कैसे हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि लाल किले में कहीं पर भी उन लोगों ने कहीं पर भी तिरंगे को हटाकर निशान साहिब का झंडा नहीं लगाया। आपको देश को यह बताना पड़ेगा कि क्या निशान साहिब का झंडा लगाने भर से देश का अपमान हो रहा है। प्रधानमंत्री आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या निशान साहिब को वहां फहराना तिरंगे का अपमान है, और अगर तिरंगे का अपमान है तो कृपया मुझे बताने का कष्ट करें कि इस वीडियो में जहां पर पुलिस साफ तौर पर तिरंगे का अपमान कर रही है, लाठियों से तिरंगे को मार रही है और फिर बुरी तरह से उसे उखाड़ फेंकती है, क्या यह तिरंगे का अपमान नहीं है? आप इस तरह से सुविधावादी तरीके से एक शिगुफा नहीं छोड़ सकते और फिर उसका असर जो देश की जनता में होता है सरासर गलत है। ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ ऐसा बयान दे रहे हों जिस पर सवाल उठने लाजमी हो गए हैं। इससे पहले भी गलवान वैली में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता का संबोधन किया और कहा कि ना तो कोई हमारी सीमा में घुसा और ना ही कोई पोस्ट कब्जे में है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। मोदी के इस बयान के बाद भी कई सीनियर पत्रकारों ने चीन के भारत की सीमा में मौजूदगी के सबूत दिए थे। ये तो हमने इस वीडियो में साफ कर ही दिया है कि लाल किले पर फहराया गया झंडा खालिस्तानी फ्लैग नहीं था और ना ही उसे तिरंगे को उतार कर लगाया गया था। ये सिर्फ किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए गोदी मीडिया की एक कोशिश थी कि उन्होंने इस झंडे को खालिस्तान से जोड़ दिया। हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया खबरों को जांच पड़ताल करने के बाद ही सही तरह से प्रकाशित करेगा, ना कि लोगों को भटकाने के लिए प्रयास करता रहेगा। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.